शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? टैक्स स्लैब में काफ़ी छूट दी गई है। नहीं, काफ़ी छूटें दी गई है, ये लॉन्ग ओवर ड्यू था। 5 लाख से 7 लाख करना, ये जो किया है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, अब महंगाई देखिए, अब बेरोजगारी देखिए, इन सबका जो जनता पे मार पड़ी हुई थी, 5 से 7 लाख किया। साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले 0 to 5 लाख से आपको टैक्स नहीं पड़ना पड़ रहा था, पर आईटी रिटर्न्स भी नहीं भरने पड़ रहे थे, कंप्लायंस नहीं था। अब आपने उसको घटाकर 0 to 3 लाख कर, यानी जो भी 3 to 5 लाख के ब्रैकेट में है आप उनको टैक्स स्लैब में ले आए हैं, भले ही वो टैक्स ना पे करें, उनको रिटर्न फाइल करें। तो आप ये तो दिखा देंगे कि रिटर्न बढ़ रहे हैं, यानी लोग पैसा कमा रहे हैं, पर सही मायने में टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है उसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये कल इकोनॉमिक सर्वे बता रहा था कि हमने ऑलमोस्ट रिकवरी कर ली है, सारी रिकवरी कोविड के बाद हो चुकी है। अगर रिकवरी हो गई तो आपको सोशल स्पेंडिंग में बढ़ाना चाहिए था पैसा, ना हेल्थ की हमने बात की, ना एजुकेशन की बात की। अब युवाओं के बारे में हमने स्किल सेंटर्स बोले, स्किल सेंटर्स तो बहुत है हमारे पास, स्किल लेबर भी है, पर इन स्किल लेबर के पास नौकरियाँ नहीं है। आपने उसको क्या एड्रेस किया है? कुछ नहीं एड्रेस किया है। आप महिलाओं पे आए, महिलाओं के बारे में इतना कल राष्ट्रपति ने भी बोला, 3-4 पैराग्राफ महिलाओं पे डेडिकेट किए, पर महिलाओं को इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उनकी भागीदारी बढ़ानी है उसके बारे में चर्चा नहीं की। आपने बस इनके लिए एक बचत स्कीम बता दी जो वन टाइम 2 ईयर्स 2,07.5%, उससे उनका क्या फ़ायदा? आप किसानों को देख लीजिए, किसानों के लिए आपने किसी तरीके की रियायत नहीं दी है। आप सीनियर सिटीजन को देख लीजिए, कहते सेविंग्स तो हमने 15 लाख का ब्रैकेट से हमने 30 लाख कर दिया। कितने सीनियर सिटीजन हैं जो 15 लाख का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? सो टेंजिबल बेनिफिट जो जनता को मिलने चाहिए थे नहीं मिले। बिल्कुल, आप देखिए चुनावी मकसद से ही ये टैक्स स्लैब का चेंज हुआ, वरना अब तक तो कोई चेंज नहीं कर रहे थे। बार बार निर्मला सीतारमन जी बड़ी एरोगेंस में आकर कहती थी हमने एटलीस्ट बढ़ाया तो नहीं, तो आपने कोई फेवर नहीं किया जनता को। ये लॉन्ग ओवर ड्यू करेक्शन था, वो किया। अब आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र से 2 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हमें महाराष्ट्र की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि महाराष्ट्र के लिए कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट होगा, कुछ नहीं हुआ। गुजरात में सूरत इज़ अ बिग जो लैब ग्रोन डायमंड्स की बात हुई है और उनको रियायत हुई है, वो सूरत के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। फिर से गुजरात गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी को फिर से रियायत दी, हर साल आप उनको ऑफर करते हैं। कर्नाटका को आपने 5,300 करोड़ दे दिए, ऐसे आप जहाँ जहाँ इलेक्शन आ रहे हैं कहीं कहीं आपने मदद की है जी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर, इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट देख ही नहीं पा रहा, सच तो ये है बजट जैसा कुछ है नहीं, हवा हवाई बातें। सप्तर्षी कहा गया, पहला उसमें है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप मुझे ढूंढ के बता दो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस बजट में कहाँ से एड्रेस होता है। आज इस देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। कोई रोड मैप है एम्प्लॉयमेंट का? बिना उस ढांचे में तब्दीली की अब कौन सा बजट बना रहे हैं? खास लोगों के लिए, खास परिस्थिति में, खास लोगों द्वारा, ये आम बजट नहीं है, ये सुपर खास लोगों का बजट है जिसका हिंदुस्तान की हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सरकार के मंत्रियों का ये कहना है कि ये आम बजट है, आम जनता मिडिल क्लास नौकरी पेशा वालों के लिए टैक्स स्लैब में मैं तो सीधे बता रहा हूँ ना कि इनकम टैक्स स्लैब में रियल टर्म्स में आप देख लीजिए, जो 5 लाख था उसको 7 लाख, उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दीजिए, सारी हकीकत धुल जाती है। और जो 5 करोड़ से ऊपर वाले में ना आप 37 से 25 पे आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफ सुपर रिच। आपको कोई समझ ही नहीं है आम आवाम की थाली का क्या हो रहा है, उसके सरोकार का क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा पहले आम बजट हुआ करता था, अभी आम बजट नहीं है। सर, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हो? जो मोदी जी की आदत रही है पलट जाए, क्या 2014 को उठा के देख लीजिए क्या क्या वायदे थे, क्या इसमें कहीं जिक्र है किसानों के MSP का, क्या इसमें कहीं जिक्र है MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनके लिए कुछ करने का, क्या कहीं इसमें जिक्र है जो फार्मर्स हैं लेबरर्स हैं उनके लिए कुछ है? स्लैब का जहाँ तक सवाल है उसको इतना घुमा फिरा दिया गया है कि छोटे से सेक्शन को फायदा मिल पाया तो मिल पाया। ये बजट पूरी तरह इस देश की अर्थव्यवस्था जो पहले से तबाह बर्बाद थी उसे ख़त्म करने वाला है। कहीं कोई दिशा नहीं दिख रही है, अंधेरे में कहीं कोई उजाला नहीं दिख रहा है। हम जिक्र नहीं करते 2 करोड़ रोजगार कम मिलेगा, जिक्र नहीं करते 15 लाख कम मिलेगा, पर इतना तो वादा था ना कि हम देंगे किसानों की इनकम दुगनी, सब कुछ इतना तो वादा था कि
कि हम जॉब देंगे उसमें कुछ है। कुल मिलाकर ये बजट देश को बर्बाद और तबाह करने वाला है। साथियों, निरंजन ज्योति इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इस बजट को लेकर के आपको तरीके से देख रहे हैं। मध्यम वर्ग बजट में काफ़ी व्यवस्था दी गई है और ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में जो छूट दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है जो राजनीतिक एंगल से देखेंगे वो अपन विरोधी जो कुछ बोले बोले, लेकिन इस बजट में जमीन से लेकर के किसान से लेकर के गरीब से लेकर के उपभोक्ता से लेकर के और उद्योग से लेकर सारे समाज को छूटते हुए मध्य वर्ग को तो इसमें आपकी बार बहुत ही छूट दे दी। जो को रोज का वेतन भोगी है इसमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है और मैं माननीय निर्मला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 1.5 घंटे की स्पीच में पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित किया और समाज को एक खुशी दी है। मैं एक महिला होने के नाते को बधाई देती हूँ कि महिलाओं को भी उन्होंने बधाई फोकस करते हुए बजट को दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं बड़ी चीज है कि गांव का गरीब किसान उनके लिए किस तरह से। मैं स्वयं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ तो मुझे जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए सबसे गरीब को फोकस कर रहे हैं, मजदूर को फोकस करके किसान को फोकस करके और देश हमारा जो एक सशक्त देश हो रहा है सशक्त तरफ बढ़ रहा है उसको भी फोकस करते हुए सरकार ने 2014 में काम किया है। और मेरा मानना यह है कि घर की महिला मजबूत होती है तो घर अपने आप उसको बहुत छूट दी है। और ये तो मुझे लग रहा है कि सारे समाज को बजट में खुश किया। शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, इस आम बजट को आप किस तरीके से फील करा रहे हैं? आम बजट को मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश रही है कि चुनावी बजट को बनाने के चक्कर में पीएमओ ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री रमन जी ने पेश किया है, लंबा पेश किया आइटम की नहीं बुलाते नहीं बात नहीं निकला जैसे वो जो मिडिल क्लास है वो 5% 10% 15% ये एक तरफ से तो आप कह सकते हैं बहुत सराहनीय है मिडिल क्लास के, पर दूसरी तरफ से कहूँगा ओवरऑल बजट में आप ना औरतों पर ना महिलाओं पर ना किसानों पर ना गरीबों पर ना बेरोजगारों पर ना डीजल पे ना पेट्रोल पे उसको कोई दिशा नहीं दिया आपने। रुपये का कीमत आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ रुपया गिर गया, डॉलर कहाँ से कहाँ भागता है उस पर कुछ नहीं। ये अमृत काल में आपने लोगों को कहा ये करें कैसे बेरोजगारों का नौकरी डालें, कैसे इतने हमारे सारे लोग जो जेलों में आज पड़े हुए हैं उनके आप नौकरी बेल खाया बिल की कीमत नहीं चुका पा रहे हैं, चाहे इतने साल से सही और गलत कैसे पड़े हुए हैं उनको अमृत काल में आज महात्मा गांधी के नाम पर देश की आज़ादी के नाम पर उनको आज़ादी देते। आज हमारा अपना नवजोत सिंह सिद्धू उसको पास भी हो गया, उसके फाइल बस्तियाँ पड़ी हुई है, मुझे जैसा शरीफ आदमी और अच्छा आदमी और टोकरी आदमी नवजोत सिंह सिद्धू को अभी तक क्यों नहीं रिलीफ दिया गया जबकि लोग कह चुके हैं हाँ रिलीफ मिलेगा 26 जनवरी को ही आने वाला था। हम एक बात कह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जिन पर रोशनी करने की जरूरत है। चुनावी बजट ज़रूर दिखता है उनकी तरफ से, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये बजट इस साल का सिर्फ आखिरी बजट नहीं है बल्कि सरकार का भी आखिरी बजट है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।